हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अनामिका। और आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं निव्या बॉडी लोशन का रिव्यू। इससे पहले मैंने निव्या के कई सारे बॉडी लोशन के रिव्यू किए हुए हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा पसंद आए। तो इस बार भी मैं निव्या का एक नया बॉडी लोशन का रिव्यू लेके आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे मुझे जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है निव्या का ये वाला बॉडी लोशन, जो कि है निव्या नेचुरली गुड बॉडी लोशन नेचुरल ओट्स। अब बात करते हैं हम पैकेजिंग की। पैकेजिंग की हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये बॉडी लोशन का जो पैकेजिंग है, जो बॉटल है ना, वो बाकी सारे बॉडी लोशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारे बॉडी लोशन मैक्सिमम प्लास्टिक की बॉटल में आते हैं, बट ये प्लास्टिक की बॉटल नहीं है। प्लास्टिक की बॉटल भी है, ये भी बोल सकते हैं, बट इसमें सिर्फ 50% प्लास्टिक है, 50% प्लास्टिक नहीं है। कागज टाइप से कुछ यूज होता है ना, उस तरीके का है ये, इसीलिए देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे ऐसे भी हो रहा है। चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं। बाकी पैकेजिंग की अगर बात करें, शेप की बात करें, बॉटल जैसे कि नॉर्मल बॉडी लोशन की आती है निव्या की, अगर एमआरपी की बात करें तो एमआरपी है इसकी 399 रुपीज, लेकिन आपको डिस्काउंट के साथ ये 300 या 350 या 320 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका तीनों पे ये अवेलेबल है। मैं फिर भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से भी चेकआउट करके आप जा सकते हैं। ये 350 ml है। तो आप बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की, कि ये क्यों अच्छा है और क्यों बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले इन लोगों ने बॉटल पे ही मेंशन कर रखा है ये नेचुरल ओट्स से बना हुआ है। अगर हम ओट्स की बात करें, तो ओट्स हमारी स्किन में क्या क्या फायदा देता है, तो ओट्स उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, और जिनकी नॉर्मल ड्राई स्किन है, उन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो ये वाला बॉडी लोशन आपके लिए नहीं है। इन लोगों ने बॉटल पे भी यहाँ पर मेंशन किया है ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, ये ड्राई स्किन वालों के लिए ही है, ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। ऑयली स्किन का अगर रिव्यू देखना है, तो मैं जल्दी एक बहुत अच्छा बॉडी लोशन आप लोगों के लिए समर के लिए लेके आने वाली हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें जो इंग्रीडियंट्स है, वो 98% इन्हें नेचुरल इंग्रीडियंट्स का यूज किया है, मतलब कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज नहीं है जो हमारी स्किन में हार्म करती है। नॉर्मली हम सभी सोचते हैं कि हम अपनी स्किन को कम केमिकल दे और नेचुरल चीजें ज्यादा यूज करें, पर नेचुरल चीजों में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा तामझाम होता है, इतनी सारी रेमेडीज तो बहुत सारी होती हैं, बट हम कितनी यूज कर पाते, कितनी मतलब इतनी सारी चीजें कर पाते अपने फेस के लिए, बॉडी के लिए नहीं कर पाते हैं। बट इसमें 98% नेचुरल इंग्रीडियंट्स हैं, जबकि 2% कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जो नेचुरल नहीं है, वो कि इन लोगों ने बॉटल पे मेंशन कर रखा है। ओट्स की मैं बात करूं कि ये ओट्स बॉडी लोशन है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपकी स्किन में अच्छा सा ग्लो भी लेके आएगा, क्योंकि ड्राई स्किन है। तो मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही इसमें और इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो यहाँ पर ही इन लोगों ने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं बियॉन्ड बॉटल के पीछे ही, जैसे ग्लिसरीन है इसमें, ग्लाइकॉल है, सिट्रिक एसिड है, और इसके अलावा भी काफी ज्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। स्मेल की बात करें, स्मेल नहीं बोलूंगी, क्योंकि पिछली बार कमेंट आया था कि स्मेल मीन्स बदबू होती है, फ्रेग्रेंस बोलिए, बट क्या होता है ना कि नॉर्मली हम लोगों के मुंह से स्मेल ही निकलता है। तो फ्रेग्रेंस की बात करूं इसकी, तो वो की काफी ज्यादा अच्छी है, खुशबू मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई। और टेक्सचर की अगर बात करूं, तो ये मैं आपको टेक्सचर इसका दिखा देती हूँ, देख सकते हैं काफी ज्यादा थिक है, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए है, इसलिए काफी ज्यादा थिक बॉडी लोशन है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, उनके जो बॉडी लोशन होते हैं वो थिक नहीं होते हैं, कुछ कुछ पानी वाले होते हैं, मतलब जेल टाइप के बॉडी लोशन होते हैं और चिपचिपे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर इसकी मतलब इसकी बात करें, देखिए कितना अच्छा इसमें मॉइस्चर आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपको यहीं से देख के पता लग जाएगा, क्योंकि ये ड्राई स्किन वाला है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, एक अच्छा सा ग्लो भी आपकी जो बॉडी है उसमें लेके आता है। अब काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चन होंगे कि मैम ये स्किन को फेयर करता है, नहीं करता है, ऐसा कुछ बताइए। तो गाइस देखिए, कि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी और काफी ज्यादा अच्छे से आपने मॉइस्चराइज कर रखी होगी आपकी स्किन को, अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी ही दिखती है, उसके लिए धीरे धीरे उसका टेक्सचर इम्प्रूव होगा ही होगा। और वहीं आप खुरखुरा रखते हैं, उस पर कुछ लगाते नहीं है, तो आपका कलर धीरे धीरे डल होता जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बॉडी लोशन से आप बहुत ज्यादा फेयर बॉडी हो जाएगी, बट अगर आप अपने स्किन केयर फॉलो करते हैं, प्रॉपर मॉइस्चर बॉडी को देती है, जो नीड है हमारी बॉडी को वो चीजें करते हैं, तो
हमारी बॉडी का जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप स्किन केयर फॉलो नहीं करते हो तो आपका चेहरा, आपकी बॉडी वैसे ही थोड़ा सा खराब दिखने लगता है। खराब इन द सेंस थोड़ा सा डल होने लगेगा, ड्राई दिखने लगेगा और कील मुहासे भी आ जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी, फेस का, बालों का अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है अच्छा दिखने के लिए। तो ये देख सकते हैं काफी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो काफी देर तक स्टे करता है। तो ये मैं दोनों हाथों पे लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। तो एक बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि मैम ड्राई स्किन तो है, हम लगा ले ढेर सारा और बाहर धूप में निकलेंगे तो चिपचिपा होगा, धूल मिट्टी डस्ट चिपक जाएगी। तो गाइस ये वाला जो बॉडी लोशन है चिपचिपा बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छा मॉइस्चर भी आपको दे रहा है। ये आपको मेरे हाथों पे पता लगता होगा, ये देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आप लोगों के सामने ये बॉडी लोशन अप्लाई किया है। थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपर मॉइस्चर कर रखा है अपनी स्किन को, जबकि यहाँ पर नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर भी आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो यही डिफरेंस होता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे केयर करते हैं। तो आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, सजेस्ट भी करा करिए आप लोगों को किसका रिव्यू देखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।